आरू के भंडारे में आप सब आइएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं चालू कर रही हूँ और मम्मी मेरे लिए मैगी बनाएंगी। मैं स्कूल जाऊंगी, अभी सुबह के 7:45 बज रहे हैं। हमारे स्कूल 8:30 बजे से हो गया और आई मम्मी मैगी बनाएंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। आज के ब्लॉग की लावण्य ने शुरू करा है और अभी मैं उठ के चाय बना रही हूँ, लावण्य के लिए मैगी बना रही हूँ। वो रेडी हो चुकी है स्कूल के लिए। आज से 8:30 बजे से शुरुआत है स्कूल की, तो ये जा रही है। और आज से शीतकालीन की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, 2 दिन की हुई थी। तो अभी आज जाएगी लावण्य 8:30 बजे स्कूल, फिर हर्षू जाएगा 9:30 बजे, फिर तनिष जाएगा 1 बजे। तो आज 3 बच्चे स्कूल जाएंगे और मैं लंच में बना के दे रही हूँ मैगी, क्योंकि बहुत हो गया आराम, लेकिन अब स्कूल जाना पड़ रहा है ना, तो अब नाटक होते हैंगे। अब देखना हमारा हर्षू के छुट्टी के बाद, क्योंकि वो बहुत नाटक करता है जाने के लिए। चलो अभी उठाऊंगी उसे मैं, फिर तो मैं चाय बना लेती हूँ। ये मेरी चाय हो रही है, उधर मैगी 2 मिनट का कहते हैं, लेकिन बहुत देर में बनती है, बन जाएगी। हो चुकी थी लेकिन मोजे पहनना भूल गई थी, तो ये मोजे के ऊपर मोजे पहने जा रहे हैं। बढ़िया है, गर्म रहेंगे। बाकी सब जने अभी सो रहे हैं, तैयार पूरी हो चुकी है। मास्क लगा लेना, हाँ, क्योंकि सर्दी ना हो उससे, है ना, मौसम ठंडा है ना, बच्चों को सर्दी जुकाम ना हो, इस वजह से मैं बहुत उससे रखती हूँ। खाने पीने में बहुत गर्म चीज खिलाना और मुंह ढांकना, ताकि कहीं जाओ तो नाक में हवा ना घुसे। थोड़ी देर बाद आंखों में भी चश्मा पहना देंगे। चश्मा है ही नहीं है तो कहाँ से पहना देंगे, है ना। अच्छा, पहनना भी नहीं है। बन गई मेरी चाय, मैगी भी होने वाली है, बस 2 मिनट की मैगी, 10 मिनट लगते हैं। सिंपल मैगी खाएगी लावण, ये सिंपल मैगी तो मैं नहीं खा। जी सिंपल मैगी खाती है, बाकी हम लोग चिपरी वाली खाते हैं। जो भी चाय या मैगी ठंडी होने के बाद टिफिन में काट रही है गाजर। लावण्य जा रही है, लावण्य स्कूल जा रही है, ब्लैक शूज चलते हैं उसके। बाय बाय बेटा, चली गई है। अब मैं हर्षू को उठाती हूँ, उसके लिए लंच बनाती हूँ पहले। हर्षू उठो, स्कूल जाना है। ए? थोड़ा मिनट और क्या होता है, 8:30 तो हो गए हैं, अब उठ जाओ। थोड़ा मिनट, अरे नहीं थोड़ा मिनट नहीं, उठोगे इसके उठने के तरीके दे दो। क्या दे दो? थोड़ा थोड़ा क्या होता है, जल्दी उठो। मुंह धो के उठ गया, और मगर इस लड़के को देखो, इसने स्कूल का लंच यहीं पे खा लिया। इतनी सारी मैगी बनाई है, खाई नहीं पा। तो लंच के लिए बनाई थी मैंने, तो लंच के लिए बनाई थी भैया मेरे। जो लंच का जही लंच खत्म कर दिया उसने, देख तो लो जरा आप। नहीं पा रहे को भैया, जो लंच बनाया था मैंने स्कूल के लिए, क्या है ये, यही देखो सपा चट कर दिया, ऊपर से कह रही है कि इतनी सारी मैगी बनाई है। भैया अब लंच में क्या रखूंगी, रोटी रखूंगी मैं, ठीक है, एक रखूंगी। हाँ तो खाके ही डालो। हाँ खाके ही जा रहा है, तैयार भी हो ना, 9:05 हो गए। जय श्री राम। ये तैयार हो चुके हो, जिसको स्कूल लेके जाना है वो अभी खाने में ही लगा है। भैया जल्दी कर लो। और लंच की तैयारी, लंच बनाया था मैंने इसका, उसने पूरा खत्म कर दिया कटोरे में ही। बन रही है रोटियां, ये मैं बात कर रही हूँ। लावण्य ने लंच बनवाया, वो लेके चली गई, लेकिन इसने लंच बनवाया वो यहीं खा लिया। अब मैं रोटी रखूंगी इसकी, एक रोटी लगना, एक ही रखूंगी, और तैयार होने ही रही अभी। भरोसा नहीं है, मगर छोड़ के तो आएंगे। बाय, हर्षू जा रहा है, स्कूल जा चुका है और ये छोड़ के आ रहे हैं। अभी शेविंग कर रहे हैं और तनिष भी उठ गया है, मैंने बिस्तर भी उठाया। ये शेविंग कर रहे हैं, पैसे बचाते हैं मार्केट के, बढ़िया, लेकिन घर पे अच्छी रहती, जब चाहे तब बना लो।
अपने बचाते हैं, मार्केट के नहीं बचाते। उठाती हूँ अपना बिस्तर और बनाने के लिए रखी है मेरी भाजी। बिस्तर उठा के भाजी बनाऊंगी, क्योंकि रात को पड़ोसियों ने मुझे भाजी दी थी, क्योंकि उन्हें मालूम है मुझे सरसों की भाजी बहुत पसंद है, तो इस वजह से उन्होंने मुझे भाजी दी। ख्याल रखते हैं पड़ोसी भी। तो अब मैं अपना काम कर लेती हूँ घर का। ये भैया से आलू ले रहे हैं, हम पूरे आलू खत्म हो चुके हैं डिमांड के लिए। देखो दीदी भी खड़ी हुई है, बुआ भी आ गई। भाभी एक किलो टमाटर भी कर। ये भैया से आलू लेती हूँ, ये रघुवीर भैया है। भाभी के चैनल को लाइक करो, फॉलो करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अरे थैंक यू भैया, आप लोग ऐसे सपोर्ट कर कीजिएगा। लवीज खेल रहा है आरू के बर्तनों से। आरू क्या कर रही हो, कौन लेकर आओ जी किचन सेट तुम्हारो? संजीव मामा खेल रही है। बोलने में तो इतनी एक्सपर्ट है लेकिन शर्माती है थोड़ा। ये इनका किचन सेट बहुत प्यारा लग रहा है, बच्चों का पूरा सामान है। संजीव भैया पूरा सामान लेके आ गए किचन का, आज खाना इन्हीं के घर बनेगा हमारा भी, है ना आरू? आप बनाओगी? बनाऊंगी, मामी बनाऊंगी। क्या मामी बनाओगी खाना? अरे वाह भाई, अब हम लोग खाना खाने आ रहे हैं। इसमें बन रहा है। अरे वाह देखो आप, पत्तल बन रहा है। और यार आज तुम वीडियो बनाती हो तो हमारे कार्टून में जाती है तुम्हारी वीडियो। देखो सही, तुम क्या बना रही हो खाने में? आलू बना रही है। आरो ही नाम है हमारी, आरू प्यार से बोलते हैं। आज ये खाने में आलू बना रही है, ये पत्थर के आलू है। और मिक्सर, टिफिन, कुकर, फ्राई पैन, तवेली सब है, पूरा ग्लास कप, प्लेटें, पूरा सामान है किचन का, है ना बेटा? होटल का है, क्या तेल की डिब्बी है, बर्गर तेल की डिब्बी, सब कुछ सामान है। वाह यार तेल का भी डब्बा आएगा। आज हमारे आरू के यहाँ सबका निमंत्रण है, आरू खाना बना के खिलाएगी हम सबको, हम लोग आएंगे। ये साबुन है। और भंडारा होगा? अरे वाह भाई आरू का भंडारा। आरू के भंडारे में आप सब आइएगा, आरू भंडारा कर रही है तो आप लोग सब आइएगा हमारे आरू के भंडारे में, है ना आरू? लविस अपनी गाड़ी दिखा रहा है, चाचा से रो रो के गाड़ी मंगवा ली है। ये कनक है छुट्टी भैया की लड़की। आरू हमारी शर्मा रही है, खाना बना लिया उसने, है ना आरू? तू का बन चुका है खाना, ये आप लोग देख सकते हो, बहुत मेहनत से बनाया है ना आरू। पानी भी दे रही है अब सब उनको। चलो भैया अब इनका खाना तैयार है, अब हम चलते हैं। बाय कर लो, बाय आरू, अब हम घर में जा रहे हैं। बाहर भंडारा कर रही सबों का, आप लोग आइएगा, बच्चों का खेले, पहले हम भी बहुत खेलते थे। तो अब मैं अपना घर का काम कर लेती हूँ, पहले छोड़ के चली गई थी आलू लेने के लिए। ये सरसों की भाजी मेरी कट गई है, मैं हसीये से काट रही हूँ, सिर्फ मुझे भाजी काटना आती है, हसीये से और कुछ नहीं काट पाती। ये भाजी काट के उबलने रख रही हूँ और बना रही हूँ एक चीज और मैं बना रही हूँ मैगी। तो मैगी बना रही हूँ मैं, सादा नहीं बना रही, मैं शिमला मिर्ची डाल के और थोड़ी तीखी वाली बना रही हूँ। तो अभी मैं सामान काट के रेडी करती हूँ। मेरा मैगी का मसाला तैयार, प्याज, शिमला मिर्ची, धनिया, टमाटर और ये थोड़ी सी गाजर, और ये मेरी मैगियाँ रखी हैं। और उसके पापा के लिए बना रही हूँ मैगी चिपरी वाली बघार के, और उन लोगों को बनाई थी फीकी वाली। ये तेल गरम करने रख दिया मैंने कढ़ाई में। ये जीरे, प्याज बन प्याज तला रही हूँ मेरी, साथ में ही तलेंगे अपन शिमला मिर्ची और तो तलते रहेंगे। ये बढ़िया तला रही है,
ये चढ़ गई। इसी में तलेंगे हरी मिर्ची, सिर्फ धनिया अभी नहीं डालेंगे। इसी में एक साइड डाल देंगे कड़ी पत्ता, ये तला जाएंगे क्योंकि मैं डालना भूल गई थी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ गाजर, थोड़ी तला जाएगी। अब ये डालती हूँ मैं इसमें टमाटर, मैंने सीटी हो गई है भाजी की। और अब भाजी के साथ साथ इस साइड मैगी बना रही हूँ, थोड़ा सा नमक डालती हूँ टमाटर इनमें मिलाने के लिए, स्वाद अनुसार नमक, जिसका जिसको जिसको जितना खाना हो। अच्छा लग रहा है मसाला, थोड़ा और नमक डल जाएगा। और इसी में डालूंगी मैं थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, नमक मैं डाल चुकी हूँ। इसे अच्छे से मिलाएंगे और मिला के थोड़ा होने देंगे और थोड़ा धनिया वो डाल देंगे, स्वाद आ जाएगा। बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब इसमें डालेंगे पानी, थोड़ा ही थोड़ा तेल लगा देते हैं। ये डाला पानी, दो पैकेट मैगी है उस हिसाब से पानी डालेंगे, बस इतना हो जाएगा। ये डाली मैगी, ये मसाला रख लेंगे थोड़ी देर से डालेंगे, इतना सारा मसाला। और साथ में ही अब ये डालेंगे इन मसालों का पैकेट, अब ये रख देंगे। ये मेरी मैगी तैयार हो चुकी है, मैगी तैयार हो चुकी है, बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत बढ़िया लग रही है देखने में। खा के और ट्राई करते हैं। और देखो एक चम्मच से नहीं, दो दो चम्मच से, गरम ज्यादा है, टाइम भी कम है। बहुत अच्छी लग रही है मैगी, ना बनी भी तो बढ़िया लगी थी, कितना मसालेदार बनाई है ना, अच्छी लग रही है। हाँ तो मैगी अच्छी लगी, और हमारा तनिष भी गाय का इंतजार कर रहा है मैगी के लिए, तो मैं इसको भी दे देती हूँ। प्लेट में गरम है अभी इसलिए, तो मैं इसको भी मैगी देती हूँ और मैं भी चखूंगी कैसी बनी है। ये देखिए मैंने धनिया भी डाल दिया कढ़ाई में, इन्होंने तो खा ली, और ये बन चुकी है मैगी, तो तनिष को दे देती हूँ। ये बनाई देखिए एक नंबर, अब तनिष को भी दे देती हूँ। ये तनिष के लिए मैगी तैयार है। तो तनिष तुम्हें पसंद है चिपरी वाले, है ना, इन्हें बहुत पसंद है। तो चलो ठीक है, जो भी खाता हूँ मैं भी खाती हूँ। मैंने मेरे लिए भी मैगी ले ली, लोग खाते हैं मैगी, और फिर मैं बगा रूंगी सरसों की भाजी, तो खा के देखती हूँ कैसी लगी है। सिब्बो आ गई, सिब्बो गाजर खा रही हो, सिब्बो गाजर खा रही हो, मुंह में देखो कितना भरा है, ये प्लेट रख दी उसने। ये भाजी बघार रही हूँ, प्याज हरी मिर्ची कट गई और बघार दी, बन चुकी मेरी सरसों की भाजी। आज का मेरा खाना वाना बन चुका, बहुत देर हो चुकी है, रात के बज रहे पौने आठ। तो इसी के साथ आज का हम अपना ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय, गुड नाइट।